के साथ बता दें कि प्रयागराज से यूपी बोर्ड के दसवीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। यूपी बोर्ड के दसवीं का रिजल्ट 88.18% रहा है और uprizults.nic.in पर इसे देखा जा सकता है। दसवीं में 88.18% छात्र छात्राएं पास हुए हैं और रिजल्ट घोषित हो चुका है। दसवीं के रिजल्ट में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है और दसवीं में छात्राओं के पास होने का प्रतिशत 91.69 बताया जा रहा है। uprizults.nic.in पर रिजल्ट को देखा जा सकता है और इसी के साथ 88.18% इस बार रिजल्ट रहे हैं जिसमें तमाम छात्र छात्रा पास हुए हैं। तो दसवीं के रिजल्ट में हालांकि लड़कियों ने बाजी मारी जिनका आंकड़ा ज्यादा बताया जा रहा है दसवीं रिजल्ट में, और 91% से ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इस बार बाजी मारते हुए दसवीं के रिजल्ट में परीक्षाएं पास की हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दसवीं के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है और दसवीं में 91.69% छात्राएं पास हुई हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो uprizults.nic.in पर इसे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए आपको वेबसाइट मिलती है जहां पर आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से छात्र और छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था, दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट सामने आने वाले थे, दसवीं का रिजल्ट सामने आ चुका है जबकि 4 बजे बारहवीं का रिजल्ट भी सामने आएगा, लेकिन उससे पहले दसवीं के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार रिजल्ट सामने आ चुका है और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो छात्राएं हैं उन्होंने, लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या है जिन्होंने परीक्षाएं दसवीं की पास की है और टोटल रिजल्ट की बात करें तो 86% से ज्यादा या 88% से ज्यादा ये बताया जा रहा है। तो किस तरीके से रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं, अमित श्रीवास्तव और कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील कुमार, सीधे उनका रुख करेंगे। चलिए सबसे पहले सुनील मैं आपके पास ही आऊंगी, कानपुर की बात करें तो वहां पर किस तरीके का उत्साह छात्र छात्राओं में देखने को मिल रहा है, रिजल्ट सामने आ चुका है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कानपुर में आज दसवीं का रिजल्ट सामने आया है और यहाँ छात्रों को उत्साह देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें प्रिंस पटेल हैं, इनका जो परसेंटेज है 97.67 आया है और ये घाटमपुर के एक छात्र है, अनुभव इंटर कॉलेज के हैं ये छात्र, पहली बार जो है इतने परसेंटेज से नंबर पे ये पास हुए हैं। कानपुर आउटर का पड़ता है ये, घाटमपुर क्षेत्र है और यहाँ जो है इनके माता पिता की बात है तो ऐसे में अपने बच्चों के ऊपर उत्साहित देखने को ज्यादा मिल रही है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि ये उत्साहित देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रयागराज से हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ चुके हैं और ज्यादातर लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने बाजी मारी है, किस तरीके का उत्साह और किस तरीके की खुशी नजर आ रही है? हाई स्कूल का रिजल्ट आज आया है जिससे करीबन 91 point something जो है वो रिजल्ट आया है जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। वही पहली बार ऐसा हुआ है जो नकल विहीन जो परीक्षा थी वो हुई है और उसमें सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है वो आया है और उस रिजल्ट में सबसे ज्यादा नकल विहीन परीक्षा और इतना ज्यादा रिजल्ट पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी बोर्ड का इतना अच्छा परसेंटेज वो भी नकल विहीन परीक्षा होते हुए देखने को मिला। ये सबसे मतलब बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा है, आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा है कि नकल विहीन परीक्षा में 90% के आसपास तक रिजल्ट जाना ये हाई स्कूल का, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के जो छात्र होंगे उनके भविष्य के लिए आने वाला जो समय होगा वो बहुत अच्छा है। और छात्रों की बात किया, छात्रों में काफी खुशी है देखने को मिली, सब बहुत उत्साहित है
जो बहुत ही मतलब एकदम बहुत बेकार जो छात्र हुए होंगे, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक रहे होंगे, वही इस बार फेल हुए हैं। मतलब ज्यादातर छात्रों ने अब की बार बाजी मारी है और सबसे बड़ा है कि रामपुर नगर से जो प्रिंस पटेल है इन्होंने टॉप किया है, साथ ही मुरादाबाद की जो संस्कृति ठाकुर है उन्होंने दूसरे नंबर पे स्टार बनाई है, वही तीसरे नंबर पे रामपुर नगर की किरण कुशवाहा है उन्होंने तीसरा स्थान बनाया है, और साथ ही कन्नौज की है अनिकेत शर्मा है उन्होंने भी तीसरा स्थान बनाया है, साथ ही कानपुर नगर के चौथा जो नंबर है वो भी कानपुर नगर का ही है, पलक अवस्थी नाम है उनका, उसमें भी अपना यहाँ पे टॉप टेन लिस्ट में नाम आया है, साथ ही प्रयागराज में आस्था सिंह है जिन्होंने चौथे नंबर पे आया है, और साथ ही रायबरेली की अथर श्रीवास्तव है उन्होंने भी पांचवा हासिल किया है नंबर, और साथ ही कानपुर नगर का ही नैन्सी वर्मा है उन्होंने भी 97% लाते हुए पांचवे नंबर पे टॉप किया है, साथ ही कानपुर नगर का फिर पांचवे नंबर पे क्रांति द्विवेदी है उन्होंने भी इसमें टॉप 5 में उनका नाम आया है, साथ ही सीतापुर भी छठवें नंबर पे है शीतल वर्मा जिन्होंने भी करीबन 96.50% प्राप्त किया है, रायबरेली भी है प्रशिक यादव इन्होंने 96.50 अंक लेके सातवां नंबर हासिल किया है, टॉप 7 में उनका नाम है, और मऊ की सातवें नंबर पे है अशिताभ शर्मा इन्होंने भी टॉप 7 का नाम लिखा है, रायबरेली आठवें नंबर पे है अजय प्रताप सिंह जिनका नाम है 96.33% पाके उन्होंने आठवां नंबर पाया है, कानपुर नगर का फिर नाम आया है आठवें नंबर पे तो राज यादव नाम है इनका 96.33% पाके इन्होंने आठवां नंबर पाया है, साथ ही वाराणसी के हैं आशुतोष कुमार इन्होंने भी आठवां नंबर टॉप 10 में आठवां नंबर इनका है, साथ ही कानपुर नगर का फिर नाम आया है नौवें नंबर से शिवा नाम है इनका 96.17% के इनका रिजल्ट है, और काफी उसके बाद ललितपुर का नंबर आया है ललितपुर में नवा नंबर है अनुपम अनुप्रिया जैन इनका 96.17% है, काफी फतेहपुर की नवा नंबर है रोशनी निचार इन्होंने 96.17% पाके नवा अंक पाया है, साथ ही हरदोई की दसवां नंबर पे है अभय पटेल इन्होंने 96% पाके दसवां नंबर टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई है, साथ ही चित्रकूट की हर्षिता सिंह है इन्होंने भी दसवां नंबर हासिल किया है, साथ ही प्रयागराज का भी नाम है दसवें नंबर पे आस्था तिवारी नाम है इसका इन्होंने भी 96% हासिल दसवां नंबर पाया टॉप 10 में लिस्ट पाई है, साथ ही अयोध्या की निकिता यादव जो है ये भी 96.5 पाके दसवां नंबर टॉप 10 में जगह बनाई है, आठवीं जो नाम है 27वां नाम है देवर्षि का ये भी टॉप 10 में नाम है अंशु यादव इन्होंने भी 96% पाके ये जो पूरी लिस्ट है ये टॉप 10 की लिस्ट है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो जो टॉप 10 में नाम आया है वो कानपुर नगर का है, तो कानपुर नगर के लिए बहुत ही मतलब ये रिजल्ट जो होगा बहुत ही उत्साहित करने वाला है,